हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर वन, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आंसर इज कंप्यूटर। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी। कंप्यूटर वर्क करता है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। द कंप्यूटर हैज़ अ हज मेमोरी टू स्टोर। कंप्यूटर में हज मेमोरी को स्टोर करने के लिए, हज मेमोरी होती है स्टोर करने के लिए, किसको स्टोर करने के लिए, डाटा। द कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग। कंप्यूटर कई घंटों तक वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग, बिना हुए क्या, टायर्ड, बोर्ड, बोथ ए एंड बी। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बिना थके हुए और बिना बोर हुए। द कंप्यूटर वर्क्स इन। कंप्यूटर वर्क करता है कितने स्टेप्स में वर्क करता है, थ्री स्टेप्स में वर्क करता है। आंसर इज थ्री स्टेप। सेकंड क्वेश्चन इज चूज फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट देम इन कॉलम्स करेक्टली। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उसमें आपको फर्स्ट कॉलम दिया गया है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपको पुट करना है। फास्ट स्पीड, ये क्या है कंप्यूटर की एडवांटेज है। मल्टीटास्किंग, ये भी एडवांटेज है। ऑटोमेशन एंड दिस इज आल्सो एडवांटेज। हेल्थ प्रॉब्लम, ये डिसएडवांटेज है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपकी इसका डिसएडवांटेज है। वायरस अटैक, डिसएडवांटेज। साइबर क्राइम, डिसएडवांटेज। एंड स्टोरेज, एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर थ्री सी, राइट यस और नो। इसमें आपको यस और नो राइट करना है। इनपुट मीन्स टू गिव डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट मीन्स होता है कंप्यूटर को डाटा इंस्ट्रक्शन देना, यस। कंप्यूटर डिस्प्लेज रिजल्ट ऑन द मॉनिटर, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर मॉनिटर पर जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, नहीं उसे आउटपुट कहा जाता है, दिस इज नो। आंसर इज नो। द फाइनल रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट। फाइनल रिजल्ट जो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है उसे आउटपुट कहा जाता है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर अस। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत से टाइम और मनी को बचाता है, यस। आंसर इज यस। अ कंप्यूटर नीड्स अ हज स्पेस टू वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, विशाल स्पेस की आवश्यकता होती है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको फिलिंग करनी है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन वर्ड्स को फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक्स में फिल करना है आपको। नंबर वन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म हज। कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है क्या, परफॉर्म कर सकता है। आंसर इज कैलकुलेशंस। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होते हैं उनको कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। द कंप्यूटर हैज़ मेड टीचिंग एंड लर्निंग वेरी। कंप्यूटर ने टीचिंग और लर्निंग को बना दिया है, क्या बना दिया है, इजी, बहुत ही इजी बना दिया है। द कंप्यूटर कैन मेक इट्स यूज़र। कंप्यूटर अपने यूज़र को कर सकता है, क्या कर सकता है, सिक, बीमार, बीमार भी कर सकता है। द कंप्यूटर रन्स ऑन, कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर चलता है, किससे चलता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलता है। आंसर इज ब्लैक, इलेक्ट्रिसिटी। द कंप्यूटर इज लाइक एन गैस सर्वेंट। कंप्यूटर एक सर्वेंट की तरह है। सर्वेंट किस तरह का सर्वेंट है, ओबीडियंट, ओबीडियंट आज्ञाकारी, मतलब जो भी हम आज्ञा करते हैं, जो भी इसको टास्क देते हैं वो वैसा ही उसका पालन करता है, इसलिए इसे एक ओबीडियंट सर्वेंट भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू।